श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जड़ता जाड़ विषम उर लागा, अज्ञान का जाड़ा उसको ऐसा पकड़ता है कि गयउ न मज्जन पाव अभागा, वो अभागा प्राणी वहां जाकर के भी स्नान नहीं करता, सरोवर के सन्निकट आकर के भी इस कथा सरिता में वो डुबकी नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका भाग्य नहीं है, उसके पुण्य नहीं है। और ऊपर से करेगा क्या? मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा, ऐसे लोग करते क्या? बोले सर निंदा करता ही बुझावा। हाँ, जाएंगे तो निंदा ही करते जाएंगे। हाँ, कथा तो बहुत बढ़िया कराए लेकिन प्रसाद वितरण की व्यवस्था नहीं रही, गए तो प्रेम से मिले नहीं, हमको पीछे बैठा दिया, आगे नहीं बैठा। लो, कुछ न कुछ निंदा का पॉइंट ढूंढ करके वो यही चर्चा करता चला जाएगा। ऐसे लोग अभागा हैं, ऐसे अभागों को भगवान की कथा नहीं मिलती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गयउ न मज्जन पाव अभागा, वो अभागा प्राणी, वो तो भाग ही जाए तो भला, क्यों? बोले जब अभागा है तो फिर भाग ही जाए। तो महाराज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन को शुद्ध करने के लिए सरोवर में स्नान कराओ, लेकिन यह तब संभव होगा जब पुण्य होगा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। उसमें भी कैसा पुण्य? बोले विलक्षण पुण्य। साधारण पुण्य से तो स्वर्ग मिल सकता है, क्योंकि स्वर्ग पुण्य का फल है। भगवान कहते हैं यज्ञै दृष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग कामो अग्निष्टोमेन यजेत, स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुह्यात। जो वेदों ने कहा कि स्वर्ग के लिए अग्निष्टोम यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, अमुख यज्ञ करो, उन यज्ञों को करके जो पुण्य उत्पन्न हुआ उस पुण्य से स्वर्ग तो मिल जाता है, लेकिन सत्संग मिले ये कोई जरूरी नहीं। सत्संग के लिए तो एक विलक्षण पुण्य होता है। वह पुण्य कौन सा पुण्य होगा ये निर्णय करना बड़ा कठिन है। वो विलक्षण पुण्य होगा कोई जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप भगवान द्रवीभूत होंगे और तब भगवान तुम्हें सत्संग प्रदान करेगा। वो पुण्य साधारण नहीं। इसका उदाहरण देते हैं सूत जी कि जिन पुण्यों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है उन पुण्यों से कथा नहीं मिलती। पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग में बैठे हुए जो देवता हैं इंद्र वरुण कुबेर, ये इंद्र वरुण कुबेर ये जो है ना, ये सब हमारे आप जैसे जीव थे इसी संसार का, और वे सत्कर्म करके पुण्य करके आज देवता बनकर के भोग रहे हैं। और इसको आप ऐसे भी समझ लो, जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति कोई आसमान से उतर के थोड़ी आया, वो भी तो हमारे आप जैसे आदमी हैं। हां, उनके कर्म थे वहां वो पहुंचे, लेकिन है तो वही जो वो हैं, वो हम आत्मा वही है, उनका भी शरीर का वही धर्म है जो हमारे आपके शरीर का धर्म। उसी प्रकार स्वर्ग में बैठे हुए वरुण इंद्र कुबेर अग्नि इत्यादि जो देवता हैं वे भी जीव ही हैं हमारे आपके समान। उन्होंने पुण्य किया तो उनको स्वर्ग में वो सब गद्दियां मिली हैं, और जब तक उनका पुण्य रहेगा तब तक वो उसका फल भोगेंगे। तो उस पुण्य से उनको स्वर्ग की गद्दी तो मिली लेकिन कथा नहीं मिली। सूत जी उदाहरण देते हैं। सूत जी कहते हैं जब गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे तो स्वर्ग के देवता अमृत कलश लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर के आए देवराज इंद्र और सुखदेव जी से कहा कि हे मुनिवर, आप राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हो। राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, आज के सातवें दिन इनको तक्षक नाक काटेगा, तो हम स्वर्ग से अमृत लाए हैं, इनको अमृत पिला दो। अमृत पी लेने के बाद
तक्षक का बाप भी काटे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। तक्षक क्या है? लेकिन इनको जो आप कथामृत पिलाने जा रहे हो भागवतामृत, ये भागवतामृत आप हमको पिला दिया। देवराज इंद्र ने कहा कथा सुधाम प्रयच्छस्व, आप हमको कथा सुधा दीजिए। गृहीत्वैव सुधाम इमाम, इमाम स्वर्गीय सुधाम, ये स्वर्ग की जो सुधा है अमृत, इसको लेकर इसके बदले में मृत्यु लोक का जो अमृत है भगवान की कथा, ये कथा अमृत आप हमको दे दो। और ऐसा विनिमय हो जाएगा जब, एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, ऐसा विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे। और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, देवताओं ने कहा हम लोग भागवतामृत पी लेंगे, हम भागवत सुन लेंगे। अब विचार करना, इस कथा को सुनने के लिए स्वर्ग के देवता, स्वर्ग की सबसे बहुमूल्य वस्तु जो अमृत है, वह अमृत देने को तैयार है, वो भी एक दो बूंद नहीं पूरा घड़ा, सुधा कुंभम गृहीत्वैव, आप ले लो और ये कथा अमृत मुझे दे। राजा परीक्षित की ओर सुखदेव जी ने देखा, भाई अब निर्णय परीक्षित करें कि ये अमृत पिएंगे कि कथामृत पिएंगे। तो राजा परीक्षित ने विचार किया कि ये देवता जो है ये कच्चा सौदा नहीं करते, ये बड़े चतुर हैं। अगर स्वर्ग का अमृत देकर के ये कथामृत लेना चाहते हैं, इसका मतलब कि स्वर्ग के अमृत से कहीं ज्यादा कथामृत का महत्व है। और दूसरी बात, अगर मैं स्वर्ग का अमृत ले भी लूं और पी लूं तब भी मरना पड़ेगा। अमृत का मतलब यह नहीं है कि अमृत पी लेने वाला व्यक्ति कभी मरता ही नहीं, उसको भी मरना पड़ता। हां इतना जरूर है कि अमृत पी लेने के बाद वो थोड़ा अधिक दिन तक जीवित रहेगा, उसके शरीर में कोई विकार नहीं होगा, लेकिन सदा के लिए उसका वही शरीर रहे ये नहीं है, मरना तो उसको भी पड़ेगा। इस मृत्यु लोक में रावण ने भी तो अमृत पिया था, मरा कि नहीं मरा? नाभिकुंड पीयूष बस जाके, जिसके नाभिकुंड में अमृत था, शुक्राचार्य ने ऑपरेशन करके शल्य चिकित्सा के द्वारा उसके नाभि में अमृत को रख दिया था, लेकिन उस रावण को भी मरना पड़ा। और यहां तक वर्णन है अमृत पीने के बाद, समुद्र मंथन से प्रकट होने वाले अमृत को पीने के बाद जब देवासुर संग्राम हुआ, तो उस देवासुर संग्राम में अमृत पीने वाले कितने देवता भी मरे हैं, ये लिखा है, पढ़ लेना। तो अमृत पीने के बाद भी व्यक्ति को मरना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो अमर हो जाएगा, उसका शरीर कभी नष्ट नहीं होगा। तो राजा परीक्षित ने विचार किया जब मरना ही है और ये मृत्यु लोक है, यहां तो बिना मरे कोई रह नहीं सकता, कितना भी दिव्य शरीर प्राप्त हो जाए, उस दिव्य शरीर को बचाने के लिए कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन वो रहेगा नहीं, क्षीण होगा, नष्ट होगा, अवश्यम बाधी। यहां तक कि भगवान का शरीर जो होता है वो दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, लेकिन इस लोक मर्यादा को भगवान भी रखते हैं, संसार में भगवान प्रकट होते हैं तो उनका भी वह स्वरूप रहता नहीं, अंतर्हित होता है, वो रूप जाता है। तो राजा परीक्षित ने विचार किया जब एक दिन मरना ही है तो फिर अमृत पीकर के क्या करेंगे, कथामृत ही पी। राजा परीक्षित ने कहा मुझे अमृत नहीं चाहिए, मैं तो कथामृत पी। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, देवराज इंद्र जैसे आए थे वैसे ही उल्टे पांव अमृत कलश लेकर के चले गए। सूत जी कहते हैं मुनियों, स्वर्ग के देवताओं को यह कथा दुर्लभ थी, इसका इतना महत्व। ब्रह्मा जी ने विचार किया कितना महत्व है भागवत का, जरा हम भी तो समझें। इस कथा को सुनकर के राजा परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। राज्ञा मोक्षम, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः, ब्रह्मा भी विस्मित हो गए। और ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू लटकाया, ब्रह्मलोके तुलाम बद्धा सत्यलोके तुलाम बद्धा तोलयत साधनान्यजः,
सत्य लोक में ब्रह्म लोक में ब्रह्मा ने एक तुला लगाया, तराजू लगाया और सभी साधनों की तुलना करने लगे, तौलने लगे। एक पलड़े पर उन्होंने भागवत जी को रखा और एक पलड़े पर ज्ञान विज्ञान कर्म यज्ञ अनुष्ठान तप साधना समाधि सब को रख दिया और एक पलड़े पर भागवत। परिणाम क्या हुआ? बोले लघुन्यन्यानी जातानी गौरवेण इदम महत, बाकी जितने साधन थे वो लघु हो गए और इसलिए अपने गौरव के कारण नीचे हुए। भागवत का पलड़ा नीचे और बाकी जो ज्ञान विज्ञान तपस्या साधना प्राणायाम विनियोग समाधि वो सारे साधन जिस पलड़े पर थे वो ऊपर हो गया और भागवत का पलड़ा नीचे हो गया। लघुन्यन्यानी जातानी गौरवेण इदम महत, इसका एक भावार्थ यह भी है कि ये काम कब हुआ? बोले ब्रह्मा जी ने द्वापर के अंत में किया, कलयुग आने वाला था। इसका मतलब बाकी जितने साधन थे वो सब चले गए ऊपर, वो पलड़ा ऊपर चला गया, अब खाली नाम के रह गए। नाम का योग बचा है संसार में, योगी कहीं नहीं मिले। योग के नाम पर बोर्ड भले कोई लगा ले हम बहुत बड़े योगी, लेकिन योग की पहली सीढ़ी ही लोग पार नहीं कर पाते। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में पहली सीढ़ी जो योग की है यम, उसी यम को ही पार करना मुश्किल है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इन पांच नियमों का पूर्ण पूर्ण पालन करे तो पहली सीढ़ी पार पार। कौन है? कोई नहीं मिलेगा हमारा। तो ये सारे साधन केवल नाम मात्र के रहे। यज्ञ यागादि कर्म बोले वो भी हम करते तो हैं, जितना बन पड़ता है अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सारे संसाधन दूषित हो गए। न वस्तुएं शुद्ध रही, न स्थान शुद्ध मिल पाता और न शुद्ध विचार बन पाता। इस स्थिति में कर्म का संपादन तो होता है लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। इस स्थिति में कलिकाल में सब साधन केवल नाम मात्र के रह गए। एक ही साधन है बस, राम ही सुमिरिय गाइए राम, संतत सुनिए राम गुण ग्रामे। संसार से मन को हटाकर भगवान के चरणों में लगाना, भगवत तत्व का चिंतन करना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करके अपने मन को भगवान में लगाना, यही सबसे सुलभ और सरल साधन। श्री सूत जी महाराज कहते हैं एक बार देवर्षि नारद अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए और अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए वो वृंदावन पहुंचे। जहां जहां नारद जी गए कहीं भी उनको अनुकूलता नहीं मिली, सब जगह कलयुग का प्रभाव दिखाई पड़ा। तीर्थ भी कलयुग के प्रभाव से नहीं बच पाए, तीर्थ में रहने वाले लोग भी कलयुग के प्रभाव से मुक्त नहीं देखे गए। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, सत्य तप शौच पवित्रता ये सब लुप्त प्राय। आज ये सब कुछ घटित हो रहा, सत्य कहीं नहीं रहा। जहां कहीं थोड़ा सा भी स्वार्थ बाधित होता दिखाई पड़े वहां व्यक्ति तुरंत झूठ बोलने को तैयार। इतना ही नहीं, झूठ बोलना व्यक्ति के स्वभाव में जैसे आ गया, लगता है जैसे झूठ के बिना काम ही नहीं चलेगा। झूठ पर इतना भरोसा कि झूठ बोलने से काम बन जाएगा, सत्य पर थोड़ा भी भरोसा था। ये कलिकाल का ही प्रभाव। तपःशौचम, तपस्या भी नहीं रही कलयुग में। क्यों? बोले तपस्या क्या है? तपस्या किसे कहते हैं? जंगल में जाकर के पेड़ के नीचे बैठ करके तप करना ये तप नहीं, वो भी तप ही है लेकिन तप का मतलब काया क्लेशो तपः, तप की यही परिभाषा है। हम कोई भी धर्म का अनुष्ठान करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तो उस धर्म के आचरण को करने में, उन नियमों का पालन करने में शरीर को जो असुविधा होती है अथवा कष्ट होता है, उस कष्ट को हम सहर्ष सहन कर लें, इसी का नाम तप। अब जैसे एकादशी का व्रत किया,
भूख लगेगी, बार बार मन करेगा खाएं, लेकिन आप उस धर्म को करने के लिए अपने सुख को मारकर, अपनी इच्छाओं को दबाकर आप शरीर को दुख दे रहे हैं और एकादशी का व्रत कर रहे हैं। तो एकादशी के व्रत को करने में जो शरीर को दुख हुआ, शरीर को जो असुविधा हुई, वही तप। कार्तिक के महीने में लोग एक महीने स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सवेरे 4 बजे उठने में निद्रा टूटेगी, असुविधा होगी, नहाने में ठंडी लगेगी, इन सारी असुविधाओं को हम जो सहन करते हैं, यही तप। तप का मतलब यही है, धर्म का अनुष्ठान करने में जो असुविधा हो रही है, शरीर को जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को हम सहन करते हैं, यही तप। काया क्लेश हो तप। अब विचार करना, आज के युग में व्यक्ति कितना सुविधा भोगी हो गया है, कहां से तप होगा? संभव है? असंभव सा। हाँ, बस उतना ही धर्म हम कर लेते हैं जो हमारे अनुकूल लगता है, जहां ज्यादा सुविधा दिखाई पड़ती है फिर वो नहीं हो पाता। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम सुचिता। सुचिता माने पवित्रता। पवित्रता भी हमारे जीवन में नहीं रही, पवित्रता तो बहुत दूर चली गई। पवित्रता का स्थान ले लिया स्वच्छता ने और हम भ्रमित हो गए आधुनिकता के चक्कर में और विज्ञान के चक्कर में पड़कर, स्वच्छता और पवित्रता के अंतर को भूल कर स्वच्छता को ही हम पवित्रता मान बैठे। ये बहुत सूक्ष्म बात मैं कह रहा हूं। आज स्वच्छता को तो हम खूब समझते हैं लेकिन पवित्रता नहीं समझते, शुचिता नहीं समझते, स्वच्छता समझते। और जबकि शुचिता में और स्वच्छता में जमीन आसमान का अंतर है। जो वस्तु स्वच्छ होगी वो पवित्र भी हो कोई जरूरी नहीं, और जो वस्तु पवित्र हो वो स्वच्छ हो कोई आवश्यक नहीं। शुचिता और पवित्रता में बहुत अंतर। पवित्रता शास्त्र सम्मत होती है और स्वच्छता हमारी बुद्धि का विषय है। हम बाथरूम से आवें और बाथरूम से आने के बाद बढ़िया लिक्विड से हाथ धो लें, अनेक अनेक कंपनियों के एक से एक आते हैं, केमिकल युक्त, मेडिसिन युक्त, जिससे आपके सारे कीटाणु मर जाएं, हाथ स्वच्छ तो हो गए लेकिन पवित्र नहीं हुए। स्वच्छता तो हो गई लेकिन पवित्र नहीं हुआ। पवित्र कब होगा? बोले जब हम उसमें मिट्टी का अंश लगाएंगे तब, क्योंकि शास्त्र कहता है मृतके हरमे पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। तो आप शौच से आने के बाद कितना भी साबुन से और लिक्विड से हाथ धो लो, हाथ स्वच्छ तो हो गया लेकिन पवित्र नहीं हुआ। आप घर को खूब बढ़िया से साफ कर दो, धो डालो पानी से फर्श को, लेकिन वो भूमि स्वच्छ तो हो गई पवित्र नहीं हुई। बोले उसी भूमि पर किसी ने थूका था, किसी ने मलमूत्र किया था, उसी भूमि पर कितनों ने पैर रखा चला, क्या क्या कर्म हुए उस भूमि पर, तो वो धोने मात्र से पवित्र नहीं होगी। धो करके आपने उसको पोछा लगा दिया, स्वच्छ तो हो गए लेकिन पवित्र कब होगी? बोले जब उस पे आप गोमूत्र का छिड़काव करेंगे तब, अथवा गाय के गोबर से लीपेंगे तब। भूमि शुद्धंत लेपन ही है, गाय के गोबर से लेपन करने पर वो भूमि शुद्ध होगी, तब उसमें शुचिता आए। तो स्वच्छता और पवित्रता में इतना अंतर है महाराज। आज हम स्वच्छता तो समझते हैं लेकिन पवित्रता नहीं समझते। पवित्रता क्या? शीशे की गिलास में हम दूध पिएंगे, चाय पिएंगे, बोलेंगे महाराज बहुत स्वच्छ है, एकदम साफ चमक रही है। बोले साफ साफ तो है लेकिन पवित्र नहीं। क्यों? बोले एक बार शीशा का बर्तन जूठा हुआ तो फिर सदा जूठा ही रहता है, कितना भी आप उसको धुलो मजो वो शुद्ध नहीं होगा। शीशे का पात्र एक बार जूठा होने पर अपवित्र हो गया, ये नियम है। अब वो दोबारा अग्नि में जाकर के गल करके फिर नए रूप में जब आएगा तब वो शुद्ध होगा। तो शीशे की गिलास में दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं और कह रहे हैं महाराज बहुत साफ है। बोले वो साफ तो है लेकिन शुद्ध नहीं।
चीनी मिट्टी के कप सबके घर